ठीक है, तो सबसे पहले 16 और 4 का आप एलसीएम लोगे, 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 8, 2 1 2, फिर 2 से जाएगा 2 2 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, गुणा कर दो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, एलसीएम तो आ गया इसका 16। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जो कि था एलसीएम लेना। अगला स्टेप क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को ऐसी उतारना है, गुणा लगाना है, बॉक्स बनाना है, बीच में प्लस का निशान, ऊपर वाली संख्या को उतारना है, गुणा लगाना है, बॉक्स बनाना है। फिर क्या करते थे, नीचे से नीचे संख्या को देखना है, 16 के पहाड़े में 16 बेटा एक ही बार आता है ना, 16 एकम 16, एक यहाँ आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 4 बारी, 4 चक्के 16, 4 यहाँ आ जाएगा। गुणा कर दो, 12 को 1 से गुणा किया 12, 7 को 4 से गुणा किया 28 बटे 16, 28 और 12 कितने हो जाएंगे, 40 बटे करेंगे। 16। अब जो संख्या आपस में कट रही है उसे काट दो, इसे 4 से विभाजित हो जाएंगे दोनों, 4 एकम 4 0, 4 चक्के 16, आवाज एक रखी नहीं हो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 5 बटे 2 जैसा इसका उत्तर है। जिसको आवाज कट के आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो आवाज तो कन्हैया का मैं बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही तो। दे रखे कौन ठीक, भैया क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। अब हाँ मुझे तो बताओ, बोलो समझ में आया सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस या फिर मैम यस मैम आ गया। ठीक है, यस मैम गुड। एक क्वेश्चन करें पोल में, यस मैम इस बार आप लोग मुझे कॉपी शो मत करना, जब मैं बोलूं कॉपी दिखाने के लिए तभी दिखाना। ठीक है, 9 बटे 14 और 5 बटे 21 को जोड़ो, जिस बच्चे से मैं कॉपी दिखाने के लिए बोलूंगी वही बच्चा मुझे कॉपी दिखाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी हमें आगे बढ़ाना है अपना टॉपिक। कीजिए इसे और पोल में आंसर कर देना। ठीक है, लता देवी के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑन है आपकी, वीडियो ऑफ करिए। मैम, सबसे पहले किसका वो करें, एलसीएम निकाले? हाँ, 14 और 21 का एलसीएम निकाला होगा ना आपने, कर दिया क्या पोल में आंसर? बेटा जिसने भी पोल में आंसर किया है ना, गलत किया है, जिसने भी अभी पोल में आंसर किया है एकदम गलत किया है। 14 और 21 का एलसीएम लो ना बेटा, 14 और 21 का एलसीएम क्या आएगा? पहला ही स्टेप नहीं कर पाएंगे एलसीएम का, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, सबसे पहले 14 21 का एलसीएम लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, मतलब 7 बच्चों का आंसर आ गया जिसमें से 5 बच्चों का ठीक है। हाँ बेटा सही चल, ठीक है बेटा, आपको डायरेक्ट पोल में कर दो आंसर। ठीक है, इस वाले का मैं कॉपी नहीं चेक कर रही हूँ, मुझे देखना है कि कितने बच्चों ने मैम मिला। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट पोल में कर दो इसका आंसर,
जिसका होते जाए पोल में कर दीजिए, पोल में टिक करते जाओ। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे भी करिए। यस, कितने बच्चों का आ गया बेटा, जल्दी जल्दी करो। चलिए, तब बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग आंसर सॉल्व, तब पोल में इतने कम बच्चे आंसर करोगे तो कैसे चलेगा, सिर्फ 9 ही बच्चे थोड़ी ना है क्लास में, 21 बच्चे हैं, 21 में से अगर 9 बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही कम है, और इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि हम पिछले 2 क्लासों से यही करते आ रहे हैं एडिशन। करिए, लास्ट के 5 सेकंड्स और है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन फास्ट करो, इसी स्पीड से करेंगे तो हम वैसे ही पीछे चल रहे हैं और पीछे रह जाएंगे। आखिरी के 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, सभी बच्चे करेंगे चैट में आंसर, ये नहीं कि 2-4 बच्चे जो करते हैं जिनका मुझे पता है वही, सभी करोगे, मतलब जिस दिन मैं आपकी कॉपी ना देखूं तो आप पोल में ही आंसर नहीं करोगे, ऐसा है क्या? सबसे पहले 14 और 21 का एलसीएम लो, 2 से जाएगा 2 × 7 = 14, 3 से जाएगा 3 × 7 = 21, फिर 7 से जाएगा 7 × 3 = 28, 28 × 2 = 42 आएगा इसका एलसीएम, 42 आएगा एलसीएम, सेम आ गया 40, ऊपर वाला जो नंबर है उसे उतार लो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, फिर प्लस का निशान, फिर ऊपर वाला नंबर उतार लो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, 14 के पहाड़ में 42 कितनी बार आता है, 14 × 3 = 42, 21 के पहाड़ में 42 कितनी बार आता है, 2 × 21 = 42, 9 × 3 = 27, गुणा करो, 5 × 2 = 10, 42, 27 × 10, 37/42, ज्यादा टाइम लगा था इसमें, चलो मैं फास्ट कर रही हूँ, बट आपको भी क्या इतना टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा टाइम लगेगा, बताइए क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? यस मैम, यस मैम, यस। ठीक, आगे बढ़े बेटा, एक और क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ मैं, जैसे मान ली एडिशन का ये क्वेश्चन है, 2 1/5 में आपने जोड़ना है 4/5, तो कैसे करेंगे? सिंपल वही स्टेप, पहले मिश्र भिन्न है इसको अनुचित भिन्न में बदलो, 5 × 2 = 10, 10 और 1 = 11, 11/5 और 4/5 को जोड़ना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि दोनों का हर जो है समान है, और हमें पता है जहाँ पे हर समान होते हैं वहां हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो डायरेक्ट इसे क्या लिखोगे, 11 + 4/5, 11 + 4/5, एलसीएम लेना ही नहीं है क्योंकि पहले से दोनों के हर समान है, जोड़ दो 11 और 4 = 15/5, अब जो संख्या कट रही है काट दो, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, इसका उत्तर 3 आ जाएगा, ये समझ में आया? बताइए, जहां हर हमारे समान होते हैं ना वहां हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती,
ये चीज क्लियर होनी चाहिए सभी को। और जो हर में संख्या है वो एक ही बार आती है सिर्फ, ठीक है? दोबारा से समझा दो। से समझाऊं यस मैम। बेटा? सबसे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, ये तो आ गया आपको, है ना? 11/5 लिख लिया, उसके साथ है 4/5। अब आपको दिख रहा है यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो जब भी हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, सेम संख्या हो, तो ऐसे हम नहीं लेना, डायरेक्ट ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ दो 11 और 4 को, और नीचे ये वाली एक ही बार आएगी, ठीक है? नीचे एक ही बार आएगी, 11 और 4 को जोड़ो 15 आएगा, 15/5, और 5 और 15 3 से कटते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, इसलिए उत्तर भी 3 आ गया। क्लियर है? हाँ, जब भी हर समान हो कभी एलसीएम मत लेना, डायरेक्ट जोड़ दो ऊपर की संख्या, लेकिन नीचे की संख्या सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी। ऐसे मत कर देना 5 और 5 को जोड़ दो, गलत है वो, 5 एक ही बार आएगा। करें क्वेश्चन पोल में इसी टाइप का, और इस बार मुझे सभी बच्चों के आंसर्स चाहिए पोल में। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए, बट आंसर सभी करेंगे पोल में। मैम क्वेश्चन दे दो। ये है क्वेश्चन, 13/2 में आपने जोड़ना है 4 1/2, ठीक है? जैसा करवाया उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56। जिस बच्चे का नाम लूंगी मुझे कॉपी दिखाएगा, ठीक है? तो अपनी कॉपी में करो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटे स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास लीव करके ज्वाइन करो दोबारा से, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, दोबारा ज्वाइन करो। मैं एक चीज समझाना। बेटा सबसे पहले तो अनुचित भिन्न में दे रखा है, सॉरी मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे, सेम अभी जो पहले क्वेश्चन कराया, हर समान है तो एलसीएम नहीं लेना, ठीक है? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा क्लास लेट करके दोबारा ज्वाइन करो एक बार, मैम कर ली फिर भी नहीं आ रही। फिर भी नहीं आ रही है। चलो तो एक काम करती हूँ, मैं क्वेश्चन ना चैट सेक्शन में लिख देती हूँ, हो सकता है तब तक आ जाए, ठीक है? चैट सेक्शन से देख लो क्या है क्वेश्चन, पोल ओके मैम। का ऑप्शन आ रहा है, तो नो मैम। कोई नहीं चैट सेक्शन से क्वेश्चन है। 13/2 में जोड़ना है 4 1/2 को, चैट सेक्शन में देख लो। चलो अब मैं जिससे बोलूंगी अपनी कॉपी दिखाएगा, सतीश के नाम से जो बच्चा, बेटा कॉपी दिखाओ। कर लिया क्वेश्चन? 2 मिनट रुक जाओ। यस। मनोज के नाम से जो बच्चा, बेटा कॉपी दिखाओ। कर लिया तो जिससे बोलूंगी वो कॉपी दिखाएगा मुझे। यस। लकी कॉपी दिखाओ, हो गया तो। लकी दिखाओ कॉपी, एंड सतीश के नाम से जो बच्चे हैं दो, और मनोज के नाम से जो बच्चे हैं, 3 बच्चों को मैंने बोला अभी कॉपी दिखाने के लिए। मैम हम दिखाएं। मैम हाँ आप दिखाओ, हम दिखाएं। नो आपकी तो मैंने पहले देख ली थी।
आपने दिखाओ, जिससे बोलो बस वही। मैं हर क्वेश्चन में मैम में दिखाए, देखूंगी मैम किस में दिखाए बेटा, वीडियो ऑन करके दिखाओ मैम उसमें, अभी नहीं दिखाओ वीडियो ऑन करके। यस, क्या आया आंसर, फाइनल आंसर दिखाओ मैम। 11 मैम बेटा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है, ठीक है मैं कॉपी देख लूंगी। मैम एक बार समझा दो। हाँ बेटा, मनोज के नाम से जो बच्चा है समझा दूं, नहीं समझ में आया बेटा? पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही तो है सेम, अगर पहले वाला समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। तो सही है हमारा, मैम समझ में नहीं आया क्वेश्चन में ही बोलना चाहिए था ना, क्योंकि पहले वाला सेम ऐसे ही था, इसलिए तो मैं आपसे पूछ के बोलती हूँ बेटा। मैम आवाज ना, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। यस लकी, हो गया, कॉपी दिखाओ। सही है बेटा, मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैंने आंसर देख लिया है तो सॉल्व ठीक है मैम, ठीक है। मैम हाँ मैम, हमारे फोन का कैमरा खराब हो रहा है। कैमरा खराब हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैम ये कैसे लिख दें? ठीक है मैम, आंसर कर देते हैं, आप बता देना सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा, अभी भी सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर करा है। साहिल, अब आ रही आवाज? अभी आ रही आवाज साहिल? मैम सही आवाज नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा, तो नेटवर्क की वजह से होता है ऐसा बेटा। स्क्रीन नहीं आ रही, सेम वही नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, मे भी आ जाए। चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। देखो 6 बच्चों का आंसर ये गलत है पोल में भी, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया मैम, पोल में गलती से दब गया मैम। नाम बोल दो। नो मैम, नहीं होना चाहिए ना। देखो जिनको नहीं आया समझ में, मैम हो गया तो 4 × 2 = 8 और 1 = 9, ये हो जाएगा 9/2। अभी मैंने बोला जब हर समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो, डायरेक्ट जोड़ दो। हाँ 13 और 9 को जोड़ोगे 22 आएगा, 22/2। अब काट दो, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 11। 11 इसका उत्तर है, मतलब ए इसका सही आंसर था। सेम पहले जैसा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया। मैंने चेक नहीं लिखना, एक लिखोगे नीचे उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। 11 के नीचे एक है, जिस भी संख्या के नीचे एक होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? सिंपल 11 ही। मनोज के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस बेटा, वेरी गुड। मनोज के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर है? हाँ, जिन बच्चों का सही है पोल में उन्होंने करा है, वेरी गुड गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, घटाव देखते हैं। घटाव और जोड़ बेटा एक जैसा ही है, जैसे हम जोड़ कर रहे हैं ना संख्याओं का, वैसे ही घटाव करना है, बस बीच में माइनस साइन का अंतर है। तो सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 ही आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 ही आने वाला है, ठीक है? 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, एलसीएम तो 12 ही आएगा, डायरेक्ट कर दो। 12 नीचे उतार दिया, ऊपर वाली संख्या उतारी 3 × बॉक्स लगाओ, बीच में माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया,
चार के पहाड़े में बारह कितनी बार आता है? तीन बारी, चार तिया बारह। तीन के पहाड़े में बारह कितनी बारी आता है? चार बारी, थ्री फोर या ट्वेल्व। तीन को तीन से गुणा करो नौ, दो को चार से गुणा करो आठ, बट्टे बारह। बीच में माइनस का साइन है, यही अंतर है। नौ में से आठ जाएंगे, एक बचेगा, एक बट्टे बारह इसका उत्तर है। बताओ एडिशन और माइनस में कुछ अंतर है? सिर्फ एक चीज का अंतर है माइनस का, बाकी सेम है। सेम टू सेम। दोबारा समझा दो। बेटा सबसे पहले एलसीएम लिया, चार और तीन का बारह आया, बारह के बाद ऊपर वाली संख्या उतार दो, तीन गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में माइनस का साइन है, फिर ऊपर वाली संख्या उतारो, दो है, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ। अब चार के पहाड़े में बारह कितनी बारी आ रहा है? तीन बारी आता है ना, चार तिया बारह, तीन यहाँ लिख दो। तीन के पहाड़े में बारह कितनी बारी आता है? चार बारी, तीन चौके बारह, चार यहाँ लिख दो। Yes, ma'am. तीन को तीन से गुणा करो नौ, दो को चार से गुणा करो आठ, बट्टे बारह। नौ में से आठ घटाओ, एक बट्टे बारह इसका उत्तर। ठीक है? Yes, ma'am. सेम है बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम है, बस माइनस का अंतर है। यस, हरीश के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी आ रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक, चलिए अगर सभी को क्लियर है, एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। नोट डाउन कर लो। यस मैम, क्वेश्चन कर ले। चार बट्टे पांच में से एक बट्टे तीन घटाना है। अब फिर से जिससे क्वेश्चन दिखाने के लिए बोलू, कॉपी दिखाने के लिए मुझे कॉपी शो करना, इसका नाम लूंगी वही मुझे कॉपी दिखाएगा। ठीक है, मैम किशन नहीं है क्या? बेटा क्या बोल रहे हो? किशन दिखाई नहीं दे रही, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, मैं चैट सेक्शन में लिख देती हूँ। ठीक है, तब तक मेरी स्क्रीन आ जाए। चार बट्टे पांच में से एक बट्टे तीन घटा, चलो किस किस का हो गया? साहिल हो गया बेटा, क्वेश्चन तो कॉपी दिखाओ। साहिल क्वेश्चन हो गया। जाओ मैम, हम ऊपर है छत पे। मैम रुक जाओ, वेकेशन नहीं दिख रहा था, अब दिख रहे हैं, कर लेते जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। और रेनू चौहान के नाम से जो है बेटा, कॉपी दिखाओ। हो गया तो मैम अभी नहीं किया है, दो मिनट। नहीं किया अभी, एक और किसने कर लिया? शुभम कर लिया क्वेश्चन? नो मैम। सत्य प्रकाश के नाम से जो बच्चा है बेटा, कर लिया? कर लिया बेटा, कॉपी दिखा दो। सेजल क्वेश्चन कर लिया तो कॉपी दिखाओ। वेरी गुड, करेक्ट है बेटा, बढ़िया। बाकी मतलब मैंने इतने सारे बच्चों से बोला, किसी का नहीं हुआ है ना अभी तक। विक्रम सिंह के नाम से जो बच्चा बेटा, हो गया क्वेश्चन? कॉपी दिखाओ। वही है जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि काफी टाइम लग रहा है आप लोगों को। मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ बेटा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया।
मैम हमारा भी कंप्लीट हो गया, हम दिखाएं। हाँ दिखाओ। हाँ बेटा एकदम सही है, गुड। जिन बच्चों को मैंने पहले बोला था उनमें से किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। मैम हम दिखा दे क्वेश्चन। हाँ दिखाओ, हो गया तो। कॉपी सीधी करो। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। पोल में भी कर दीजिए बेटा, अभी सिर्फ 11 बच्चों ने किया है। यस, सुनील के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम जा रहा है, बहुत ज्यादा। Yes. 14 बच्चों ने किया, अभी भी बहुत कम हो। मैम नहीं आ रहा। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चैट में कर देना बेटा। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट के 5 सेकंड्स और है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम बेटा 15 ही आने वाला है, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, माइनस का चिन्ह, ऊपर वाली संख्या उतारी, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 3 बारी। 5 3 15। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बारी आता है? 5 बारी। 3 5 15। 4 3 12। 1 5 5 बटे 15। 12 में से 5 जाएंगे, 7 आएगा, 7/15 इसका उत्तर था। 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखो चैट सेक्शन में काफी बच्चों ने बी लिखा है, बट पोल में इतने आंसर्स तो मुझे नहीं मिले, मतलब रेगुलर के हिसाब से आप पोल में कम आंसर कर रहे हो। अब बताइए मुझे, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है ना सभी को, या कोई अभी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आया? नहीं आया। राजेश के नाम से जो बच्चा है, राजेश के नाम से जो बचा बेटा, कहाँ कौन से स्टेप में नहीं आया बताओ, कौन से में नहीं आया, माइक ऑन करके बताओ कौन से स्टेप में नहीं आया आपको समझ, बताओ बेटा, तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगी ना कि कहाँ पे नहीं आया। 5 और 3 का एलसीएम लिया होगा आपने, फिर बाकी स्टेप तो वैसे ही हैं जैसे हम जोड़ में रखते हुए आ रहे हैं। 4 उतारा, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, फिर दूसरी संख्या उतारी, गुणा लगाया, टेन बॉक्स। 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, गुणा कर दिया और आंसर आ गया। आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, 7 1/2 में से 3 3/4 घटाना है, तो सेम क्वेश्चन वही है, आपको अनुचित भिन्न में बदलना है, पहले मिश्र भिन्न को कर लेंगे ना, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है और माइनस करना है एलसीएम लेके, सेम पहले जैसा क्वेश्चन। और इस बार कोशिश करें कि थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएं और आंसर को डबल चेक कर लें। मैम इनका एलसीएम निकालनी है क्या? हाँ
पहले अनुचित भिन्न में बदलो, उसके बाद एलसीएम लो, क्योंकि हर मैम नोटबुक दिखाए। हाँ बोलो मैम, नोटबुक दिखाए। हाँ दिखा तो हो गया, तो वेरी गुड, काफी जल्दी हो गया। यस बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, बढ़िया। मैम एक बार समझा दो, समझ में नहीं आया। बेटा आपने अनुचित भिन्न में बदला, इसे पहले ये बताओ, बदल दिया? यस मैम। फिर क्वेश्चन मैम, यस, अरकोइल अरका एलसीएम निकालना है। हाँ, दो और चार का फिर एलसीएम ही तो लोगे आप? यस मैम। दो और चार दोनों अलग अलग है हर हमारे डिनोमिनेटर, उसके बाद दो और चार का एलसीएम लो, और फिर वही तरीका है जो हमने पहले क्वेश्चन करा। अनुचित भिन्न में बदलने के बाद तो क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया ना बेटा, दो और चार का एलसीएम भी तो लोगे? ठीक है, करिए। सोलिम के नाम से जो बच्चा, बेटा सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। मैम दिखाए। हाँ दिखाओ बेटा, हो गया तो। यस, विजय के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर आया आपको, फाइनल आंसर दिखाओ। नहीं बेटा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है जो आप दिखा रहे हो मुझे। नहीं, दोबारा से दिखाओ, मुझे तो गलत लग रहा है जो आपका आंसर आ रहा है। क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या आपको इतना हार्ड लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हो? क्या ऐसा हार्ड है इसमें? इसमें वो हार्ड है कि 7 × 2 = 14 = 15, ये 15/2 में से 15/4 घटाना है। क्या हार्ड लग रहा है? क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है? दो और चार का एलसीएम नहीं लोगे? करो आगे बेटा। आंसर क्या, आपने पूरा ही काट दिया, ये भी आंसर नहीं है। प्रॉपर तरीके से लिखो। यस बेटा, विजय रीना के नाम से जो बच्चा, एकदम करेक्ट है आपका, वेरी गुड। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, पहले जैसा ही है सेम, दो और चार का एलसीएम लो अब। यस, अब दिखाओ बेटा, विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है। बेटा सीधी करो कॉपी, अब जाके ठीक किया आपने। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है आपका। मैम कॉपी कहाँ पर दिखाते हैं? कॉपी बेटा वीडियो ऑन करके दिखानी है, वीडियो ऑन करके। मैम कॉपी कहाँ पर दिखाते हैं? बेटा वीडियो ऑन करके दिखाओगे ना? यस, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, एकदम ठीक है। नो बेटा, विजय सिंह यादव के नाम से जो बच्चा है, आपने ना कितना क्रॉस कर रखा है हर जगह, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने लिखा क्या है, और जो भी लिखा है वो गलत है। तब ऐसा हो गया इस क्वेश्चन में कि ज्यादा 7 बच्चों ने गलत किया है, 6 बच्चों ने सही किया है। मुझे नहीं लगता है कि इतना हार्ड कोई क्वेश्चन था भी ये। आखिरी के 5 सेकंड्स और है। हाँ बेटा, हाँ ऐसे वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके ना आपके फोन की स्क्रीन पे ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसा उस पर क्लिक करो सबसे ऊपर, तो बैक कैमरा हो जाएगा। हाँ कॉपी दिखाओ थोड़ा। मैम हमारा सही है। हाँ सेजल सही है बेटा आपका। मनोज
के नाम से जो बच्चा है बेटा कॉपी थोड़ा और पास लाओ फोन की, थोड़ा सा और पास लेके आओ। हाँ नहीं बेटा आपने एलसीएम गलत लिया है, एलसीएम गलत लिया है, दो और चार का एलसीएम चेक करो दोबारा। यस फाइव फोर थ्री टू वन, बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो। सभी बच्चे डी पे ऑप्शन लगा रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने ए पे लगाया है, ए पे भी काफी बच्चों ने लगाया है टी। सात एक बट्टे दो में से तीन तीन बट्टे चार घटाना था, तो सबसे पहले आपने इसे अनुचित भिन्न में बदलना था। सात दूनी चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह बट्टे दो में से पंद्रह बट्टे चार घटाओगे। दो और चार का एलसीएम लिया, दो और चार का एलसीएम क्यों लोगे, क्योंकि दोनों हमारे अलग अलग है, हर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा चार, फिर ऊपर वाली संख्या उतारी, ऊपर था पंद्रह गुणा बॉक्स माइनस पंद्रह गुणा बॉक्स। अब दो के पहाड़े में चार कितनी बारी आता है, दो बारी, दो दूनी चार, चार के पहाड़े में चार कितनी बारी आता है, एक बारी, चार एकम चार। अब पहले मुझे बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ या यहाँ पे भी किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चे। पांच पंद्रह को दो से गुणा किया तीस, पंद्रह को एक से किया पंद्रह बटे चार, तीस में से पंद्रह जाएंगे पंद्रह आएगा, पंद्रह बटे चार इसका उत्तर है। इतना तो सिंपल क्वेश्चन था। रमन के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हुआ मैम? जो एलसीएम लेने के बाद जो डब्बे में जो बॉक्स भर रखे हैं ना दो और ये एक, हाँ हाँ, ये कैसे आए बेटा आप मुझे बताओ, दो के पहाड़े में चार कितनी बारी आता है, दो दूनी चार ही होता है ना? हाँ मैम। तो वही संख्या तो ऊपर लिखी है मैंने, हाँ यहाँ वो संख्या आएगी जितनी बार वो आती है। अब चार के पहाड़े में चार कितनी बारी आता है, एक बारी। Yes, एक यहाँ लिख दिया मैंने। अब नीचे से नीचे संख्या को देखते हैं ना, दो और चार का एलसीएम लेने के बाद मैंने देखना है कि इन्हीं दो और चार के पहाड़े में चार कितनी बारी आ रहा है, ठीक है, जिनका एलसीएम लिया जाता है, जिन संख्याओं का। क्लियर, आगे बढ़े। yes, मैम। बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, इक्वेशन काफी बच्चों ने गलत किया है, और बल्कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, सेम वैसे क्वेश्चन था पहले जैसा ही। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बेटा मल्टीप्लिकेशन है, गुणा करना। अगर मुझे गुणा करना है चार को दो बटे तीन से, कैसे गुणा करते हैं? जो संख्या कट रही है उसे काट दो। काटते कैसे? दोनों संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए, ऊपर नीचे एक संख्या एक ही पहाड़े में आनी चाहिए, या ऐसे काटो, या तो ऊपर नीचे वाली संख्या आपस में कटती है या क्रॉस में कटती है। याद आया? सभी ने सिंप्लीफाई वाले ये क्वेश्चंस करे होंगे पहले से, करते हुए आ रहे हैं। जो संख्या जिससे कटती है उसे काट देते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि कुछ भी किसी से नहीं कट रहा, ऐसे मत कर देना दो एकम दो, दो दूनी चार, गलत है, आमने सामने नहीं काट सकते हम, या तो ऊपर नीचे काटोगे या ऐसे काटोगे क्रॉस में। तो कोई संख्या जब कटती नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर दो, चार को दो से गुणा करो, क्योंकि चार और दो साथ में आठ, तीन बट्टे में है। और अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही तो चार के नीचे एक लगा लो, क्योंकि तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां एक लगाते हैं। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? यस मैम। अभी दो चार और करवाऊंगी, दो ऊपर ही। यस मैम। मैं अपने ऊपर वाली को गुना किया है। दोबारा बोलो। यस मैम। Yes, किसको समझ में नहीं आया और कहाँ प्रॉब्लम है पूछो। मैं अपने ऊपर वाली संख्या गुना किया है ना? हाँ, ऊपर से ऊपर को गुना किया है ना, चार से दो को, तीन को एक से।
आमने सामने वाली संख्या है तो गुणाऊंगी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दे देती, 8 को गुणा करो 3/4 से, तो कैसे होता? सेम ऐसे ही होता, 8 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो। अब जो कट रहा है, जैसे 4 और 8 कट सकते हैं, मैंने बोला ना ऐसे काट सकते हो, 4 और 8 एक ही पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दुनी 8। अब जो जो संख्या है बची वो लिख लो, यहाँ बचा 2 × 3/1 × 1, 2 × 3 6/1 या 6 इसका उत्तर होगा। समझ में आया? यस 6 इसका आंसर होगा। रुक जाएगा, नोट डाउन कर लेते। हाँ नोट डाउन कर लो, अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी उसके बाद ही पोल में दूंगी, क्योंकि आप लोग पोल में बहुत गलत कर रहे हैं। मैम और सवाल दो। हाँ एक और सवाल करवा रही हूँ, पहले एक और देखो। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती कि मान लीजिए मैं 25 को गुणा करो 2/10 से, तो कैसे करते? सभी बच्चे सॉल्व करके ना चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, आप लोग करेंगे इसका आंसर और चैट सेक्शन में लिखेंगे। समझ में आ गया तो चैट में करिए आंसर। पांच आएगा पक्का? ओके चलो अब मैं करवाती हूँ। देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और ऐसे क्रॉस में भी, फिर 5 और 25 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, क्या बचा? 5 और 1 बचा 5, को 1 से गुणा करोगे 5 ही आएगा। यस बेटा सुनील के नाम से जो बच्चे है, करेक्ट। सभी को समझ में आया? आप बताइए, अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आया हो तो पूछ लो बेटा। हमेशा वो दोनों संख्याएं एक ही संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए, ये रूल होता है। ठीक, एक क्वेश्चन करोगे पोल में तो गलत मत करना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है। ठीक, 30 को गुणा करो 7/20 से, ठीक है? कॉपी जरूर शो करना इस वाले क्वेश्चन में, सभी बच्चे मुझे कॉपी दिखाना जिनका होके जाए। यस अनीता यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, एकदम करेक्ट है आपका, वेरी गुड। यस हाँ जतिन एकदम करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। जिसका होते जाए वो ठीक है। यस विजय के नाम से जो बच्चा है करेक्ट बेटा, रीना के नाम से जो बच्चा करेक्ट, विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है करेक्ट, वेरी गुड। साथ के साथ पोल में भी करते जाइए जिनका होते जाए, बढ़िया। ठीक है ये क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं आप लोग।
अभी क्लास खत्म होने में टाइम है, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिसका भी हो जाए कॉपी दिखा दीजिए मुझे। यस, रमन के नाम से जो बच्चा है बेटा, सही है आपका, वेरी। सुनील के नाम से बच्चा, वेरी गुड बेटा, गुड, बढ़िया। यस, 13 ही बच्चों का आंसर आया बेटा, बाकी बच्चे भी करिए। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, सभी करो पोल में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। बढ़िया, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ 0 से 0 कट गया, क्या बचेगा? अब तो कोई संख्या कट नहीं सकती, 3 और 7 बचे, ऊपर नीचे बचा 2। 3 7 21, 21/2 इसका उत्तर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, 0 को 0 से काटते ही हमारा आंसर आ गया था। हो सकता है किसी बच्चे ने 2 से भी काट दिया हो, बट आंसर यही आना चाहिए, आप कैसे भी करें, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? सभी बच्चों को आ गया समझ? ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है भिन्न का भिन्न से गुणा, ये भी सेम ऐसे ही है। 4/3 को 5/6 से गुणा करना है, सेम ऐसे ही। देखो ये दोनों संख्याएं कटती नजर आ रही है मुझे यहाँ, 2 × 4, 2 × 3, 6, और तो कुछ कट नहीं सकता। अब ऊपर ऊपर की संख्याएं लिख लो और नीचे नीचे की संख्याएं लिख लो, 10/9 है ना, ये वाला भी इजी भाई। 6 और 2 एक ही संख्या के पहाड़े में आ रहे थे, 2 के पहाड़े में, मैंने उसे काट दिया, अब जो संख्याएं बच गई उनको मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया सभी को? नहीं, 20/18 नहीं बेटा, तब तक काटते जब तक वो एक संख्या से कटे ना, पहले 4 और 6 को काटो। 20/18 सही आंसर नहीं है इसका। यस, सुनील के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, 10/9। एक क्वेश्चन कर ले पोल में हम, फिर अगर सभी को आ गया तो। मैम, सेम वैसे ही है पहले जैसा ही, बस इस बार 2 भिन्न आ गए और कुछ नहीं है। 14/15 को गुणा करो 5/7 से, ठीक है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। सभी बच्चे क्वेश्चन कॉपी में करके मुझे दिखा देना। सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, नहीं आगे भी कैंसिल होगा बेटा, ये आगे भी काटो। यस यस, अनीता के नाम से जो बच्चा बेटा, एकदम करेक्ट, हमारा सही है, करेक्ट है। शुभम बेटा कॉपी दिखाओ। मैम हम छत पे, मैम कॉपी नहीं है। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। विजय सिंह यादव के नाम से जो बच्चा है, गुड। बेटा आप छत में हो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपका सही है या नहीं? कॉपी दिखाओगे तभी बता सकती हूँ ना। रीना यादव के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, एकदम ठीक। साथ के साथ पोल में करते जाओ बेटा आंसर, जिसका आते जाए। मैम कर दिया। यस ठीक है बेटा, वैसे अभी तक पोल में सभी का ठीक है। सोलिम के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आंसर आया आपका?
दिख नहीं रहा। यस सेजल गुड, मुझे अभी भी नहीं दिख रहा आंसर। छह आपका आंसर गलत है, अगर छह आ रहा है तो नहीं, छह आंसर नहीं है, छह तो ऑप्शन में भी नहीं है, छह तो ऑप्शन में भी नहीं है अगर छह आ रहा है तो। यस रेनू के नाम से जो बच्ची है बेटा, करेक्ट है आपका। मैं होमवर्क दे दो बस बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क ही दे दी। चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और बेटा। मैम रुक जा दो। हाँ यस सुनील के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। चलिए 5 4 3 2 1 दे रही हो मैं। चलिए चैट सेक्शन ऑन हो गया, उसको आंसर करना है चैट में कर। यस 20 का उत्तर है, क्योंकि 5 और 15 कटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 7 और 14, 7 एकम 7, 7 2 14, क्या बचा 2 और 3 ही तो बचे, 2/3 इसका उत्तर है। और पोल में भी सभी का ठीक था ये क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा। ठीक है सभी का ठीक। अब मैं होमवर्क शेयर देखो क्या बेटा, होमवर्क? हाँ बेटा होमवर्क वाली स्क्रीन ही शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने माइनस वाली एक्सरसाइज करनी है और मल्टीप्लाई वाली करनी है। माइनस वाले भी नहीं किया ना, ये रहा 17.1, 17.2 माइनस वाला, और उसके साथ कर लेना 18.1 और 18.2 में जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाले करना। ठीक है मैम, पर्सनली के नाम बताना, 70.1 और 17.2